गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे दे आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर फोर्थ, सिमिलीज. इससे बोला गया है कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए, उन सेंटेंसेस से कौन सा सही वर्ड है, वो सही वर्ड इस इन बॉक्स में से चूज करके आपको उस सेंटेंस में फिलअप करना है. सो आप ये वर्ड्स देख लीजिए, उसके बाद हम लोग जो सेंटेंसेस है उस पर बढ़ते हैं. ओके, सो आपने वर्ड्स देख लिए होंगे. सो नाउ वी विल गो टू दी सेंटेंसेस. सो फर्स्ट वी हैव एज हैप्पी एज अ लार्क, कि हैप्पी जितना हम लोग हो सकते हैं तो किसकी तरह हो सकते हैं, लार्क की तरह हो सकते हैं. देन एज प्राउड एज अ पिकॉक, जितना प्राउड हमें हो सकता है वो पिकॉक के जैसे. देन एज माइटी एज एन एलिफेंट, तो जितना हम लोग माइटी हो सकते हैं वो एलिफेंट की तरफ. देन एज वाइज एज अन, तो हम लोग जितना वाइज हो सकते हैं वो ऑल के जैसे. देन नेक्स्ट एज डर्टी एज अ पिक, हम लोग जितना भी डर्टी हो सकते हैं वो पिक की तरफ. देन एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, हम लोग अगर स्ट्रांग हो सकते तो किस जैसे, ऑक्स के जैसे. देन एज मीक एज अ लैम्ब, तो मीक हम लोग जितना हो सकते हैं वो लैम्ब के जैसे. देन एज स्लिपरी एज एन ईल, ईल है उसकी जैसे हम लोग क्या हो सकते हैं, स्लिपरी हो सकते हैं. देन एज ग्रेसफुल एज अ स्वान, हम लोग जितना ग्रेसफुल हो सकते हैं वो स्वान की तरह हो सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एज स्टबर्न एज अ म्यूल, हम लोग जितना भी स्टबर्न हो सकते हैं, ठीक है, वो किसकी तरह हो सकते हैं, म्यूल की तरह हो सकते हैं. देन नेक्स्ट एज अ प्लेफुल एज अ पपी, हम लोग जितना भी प्लेफुल हो सकते हैं वो एज अ पपी की तरह हो सकते हैं. ओके, सो देन नेक्स्ट सेंटेंसेस वी हैव एज क्वाइट एज अ माउस, हम लोग जितना भी क्वाइट हो सकते हैं वो माउस की वजह से तरह हो सकते हैं. देन एज ब्लाइंड एज अ बैट, हम लोग ब्लाइंड हो सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा किसके जैसे, बैट के जैसे. देन एज ब्रेव एज अ लॉयन, अगर हम लोग ब्रेव भी होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लायन के जैसे ब्रेव हो सकते हैं. देन एज क्लम्जी एज अ बियर, क्लम्जी के जैसे हम लोग क्या हो सकते हैं, बियर हो सकते हैं. देन एज फेथफुल एज अ डॉग, हम लोग जितना भी फेथ कर सके वो क्या हो सकता है, डॉग के जैसे. देन एज अ स्लो एज अ स्नेल, हम लोग जितना भी स्लो हो, स्लो किसकी जैसे हो सकते हैं, जो स्नेल है उसकी जैसे हम लोग ये हो सकते हैं. ओके, देन जो नेक्स्ट है वो क्या हो गया, एज कनिंग एज अ फॉक्स, तो मतलब हम लोग जितना भी कनिंग हो वो किसकी जैसे जो है वो हम लोग हो सकते हैं, वो हम लोग हो सकते हैं फॉक्स की जैसे. सो आज का जो ये था, हमने ये पढ़ा कि एज हैप्पी एज अ, या फिर एज एज लगा कि हम लोग किसकी तरह, जो उनकी जो जिस तरह के वो है वैसे बन सकते हैं. तो आज का जो ये चैप्टर था यहीं पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है जीके का ही वो स्टार्ट करेंगे, और जो किसी और जो फील्ड है उसके बारे में हम लोग क्या लेंगे, नॉलेज लेंगे. टिल देन थैंक यू.